Our next lecture is chapter number 2, Zakat, Ushr and Inheritance. Zakat. The rate of Zakat is 2.5% or 1/40 of the total value of the goods. इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा सारे को, ठीक है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा और इसकी एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट आपके पास है उशर. उशर इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द लैंड विच इज़ एग्रीगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज. हाउएवर द रेट ऑफ उशर इज़ 5% ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. ठीक है, इसको आपने याद भी करना है और जो उशर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपने इनको लिखना भी है. नेक्स्ट वन इज़ इनहेरिटेंस. व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट्स लेफ्ट बाय दैट पर्सन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज और हर लीगल हेयर्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन हेयर. ठीक है, ये आपके पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है. ठीक है, फर्स्ट वन है कि अगर हस्बैंड डाई हो जाता है तो विडो का शेयर 1/4 है इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड, और अगर प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड अगर बच्चे मौजूद हैं तो फिर 1/8 होगा. ठीक है, टू और मोर वाइफ्स हैं तो वो इसी शेयर में अपना इक्वल शेयर लेंगी. फोर्थ पॉइंट है सन का इनहेरिटेंस जो है वो डॉटर के मुकाबले में डबल होता है, 2:1 बनती है, सन का 2 और 1 सिस्टर का 1 बनेगा. ठीक है, अच्छा, अ ग्रैंड सन इनहेरिट्स ट्वाइस एज मच एज ग्रैंड डॉटर. ठीक है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के लिए ये है. फिर इफ़ डॉटर्स आर टू आर मोर देन टू देन फॉर देम 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस. राइट, इफ देर इज़ ओनली अ सिंगल डॉटर देन और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर देन शेयर इज फिक्स्ड 1/2. टू आर मोर डॉटर्स देन टोटली एक्सक्लूड एनी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का फिर शेयर नहीं होगा. इफ़ देर इज़ वन डॉटर एंड एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर द डॉटर इनहेरिट्स 1/2. राइट, और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर का जो है वो 1/6 हो जाएगा. ये दोनों मिला के 2/3 बन जाएगा, वही जो आपके पास ऊपर दिया हुआ था केस डॉटर का 2/3 है. ठीक है, और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर हस्बैंड का शेयर जो है वो 1/2 बनता है. ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आपने याद करना है अच्छे तरीके से. ठीक है, अच्छा, ये इसकी एग्जांपल सारी देख लीजिएगा, एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बेहतर तरीके से. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहले हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो ज़कात के हैं. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000. राइट, अमाउंट आपके पास है 11,10,000. रेट ऑफ ज़कात आपने हर क्वेश्चन में मैंशन करना है 2.5%. अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे निकलेगा, 2.5% मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट. 2.5% को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2.5 इज़ 25/10, परसेंट इज़ 1/100 इनटू अमाउंट. इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है. ठीक है, सेकंड भी आपके पास ऐसे ही है, ये आपने खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर. इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ रुपीज़ 40,000 पर तोला एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज़ रुपीज़ 5,000 पर तोला. पहले हम क्या करेंगे कि गोल्ड की जो है वो 10 तोला दिए हुए हैं और 40,000 पर तोला है, तो पहले 40,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अमाउंट ऑफ गोल्ड 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हमारे पास पूरे गोल्ड की अमाउंट आ जाएगी कितनी है. ठीक है, फिर सिल्वर उन्होंने कहा था 5,000 पर तोला है और 40 तोला सिल्वर है, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से तो आपके पास ये 2,00,000 आ जाएगी सिल्वर की अमाउंट, कि अमाउंट कितनी बन रही है सिल्वर की. ठीक है, अब उन्होंने कहा था इस पे ज़कात मालूम करनी है. पहले हमने अमाउंट ऑफ गोल्ड और अमाउंट ऑफ सिल्वर को ऐड कर लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि सम ऑफ अमाउंट कितनी है. 4,00,000 आपके पास ये है और 2,00,000 आपके पास सिल्वर है, मिलके आपके पास ये 6,00,000 हो गया. ऐड कर लिया आपने इसको. रेट ऑफ ज़कात 2.5% है. 6,00,000 का 2.5% निकालेंगे तो हमारे पास ज़कात आ जाएगी. अमाउंट ऑफ ज़कात क्या है, 2.5% मल्टीप्लाई बाय 6,00,000. वही 2.5 को 25/10 लिखा, परसेंट को 1/100 और ये 6,00,000, तो ये आंसर आ गया. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर लें. क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास उशर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6,00,000. अच्छा, आपने देखना है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज बन रहे हैं या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बन रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो 10% बनेगा, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं तो आपके पास जो है वो कितना बनेगा, 5%.
ठीक है। तो ऊपर आपने लिखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे उशर इतना होता है और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे उशर इतना है, पहले मेंशन करेंगे इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले आप उसको मेंशन करें। उशर ऑन क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज इज 10%, अमाउंट है 6 लाख, रेट ऑफ उशर 10% है, ये ऊपर लिखा है हमने। अमाउंट ऑफ उशर क्या होगा, 10%, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 6000 आ जाता है आपके पास आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब देख लें, नेक्स्ट आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है तो 5% के हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आपके पास इनहेरिटेंस के स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 7,50,000 इज लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड हु आल्सो लेफ्ट अ विडो 2 sons and 1 daughter। पहले हम विडो का निकालेंगे, ठीक है, बच्चे मौजूद हैं तो फिर आपके पास ये विडो का कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है 7,50,000, शेयर ऑफ विडो 1/8 है, तो 1/8 ऑफ दिस अमाउंट निकाल लें आप, 7,50,000 का 1/8 निकालें, इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट निकालें, विडो को दे दिया ना, बाकी कितनी अमाउंट रहेगी वो निकालें पहले। 7,50,000 में से ये वाली अमाउंट हमने माइनस कर दी तो ये आ गया 6,56,250, ठीक है। अब 2 sons हैं, 1 daughter है, मैंने आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा था रूल ऑफ इनहेरिटेंस में कि सन का डबल होता है डॉटर के मुकाबले में। तो 2 sons हैं और 1 daughter है, 2 sons के लिए हमने 2 लिखा और चूँकि डबल शेयर है तो इससे 2 लिखा, रेशो 1, ये हमने ये वाला 1 लिखा क्योंकि 1 daughter है और डॉटर का शेयर चूँकि 1 होता है तो इसलिए ये 1 आया, ये बात समझ आई है। 2 sons हैं तो 2 लिखा और सन का डबल होता है इसलिए ये 2 लिखा, रेशो 1, 1 daughter है और डॉटर का 1 होता है इसके सन के मुकाबले में तो 1, 2 into 2, रेशो 1 into 1, 2 2 ज़ा 4, रेशो 1 1 ज़ा 1, ये आ गया आपके पास रेशो इनके दरमियान। सम ऑफ रेशो क्या हुआ, इसको ऐड कर लें दोनों को, 5 आ गया। शेयर ऑफ 2 sons क्या होगा, 4 out of 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट लेनी है, टोटल नहीं लेनी, रिमेनिंग अमाउंट का 4/5 निकाल लें, ये आ गया। अब चूंकि 2 sons हैं तो शेयर ऑफ ईच सन के लिए डिवाइड बाय 2 कर लिया तो आपके पास हर सन का शेयर आ गया, ठीक है। डॉटर के लिए क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1/5 था ना डॉटर का, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट थी, इससे मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। तो अच्छा, ये करने के बाद ना आपने अलग अलग मेंशन भी कर देना है कि विडो का शेयर ये है, सन का शेयर ये है और डॉटर का शेयर ये है, ठीक है। चलें अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, 8 और 9 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। रूल्स पढ़ लें, रूल्स पढ़ के करेंगे, याद हो जाएंगे रूल्स तो ईजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं, द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 20 lakh इज लेफ्ट बाय अ डिजीज्ड, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड 2 sons, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। पहले हम विडो का निकाल लेते हैं, ठीक है, 1/8 करके जैसे पहले निकाला था। अमाउंट आपके पास 20 lakhs है, शेयर ऑफ विडो 1/8 करके निकाल लेंगे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने रिमेनिंग अमाउंट इस तरीके से निकाल ली, विडो को दे दिया, बाकी कितना बच गया, 20 lakh में से ये वाली अमाउंट 2,50,000 माइनस कर दी तो ये आपके पास आ गई 17,50,000, ठीक है। अब इसमें से अब पीछे कौन रहेगा, 2 sons हैं तो डॉटर चूके नहीं है तो रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है 2 sons में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ 2 sons, ये आपके पास अमाउंट जो निकली थी, इसी को डिवाइड बाय 2 कर लें तो ईच सन का आपके पास आ जाएगा, ये समझ आ गए, ठीक है। अच्छा, 11 आप लोगों ने खुद करना है। 12 पर आ जाएं, नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंटिंग टू 4 lakh, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो वाइल दे डिडंट हैव एनी चाइल्ड, फाइंड द शेयर ऑफ नजीब्स विडो। अब इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड कितना था, 1/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूल याद होंगे तो फिर आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अमाउंट क्या है, 4 lakh, शेयर ऑफ विडो क्या है, 1/4 into 4 lakh, शेयर ऑफ विडो 1/4 है ना, इसको पहले बेशक आप अलग से पहले लिख लें कि शेयर ऑफ विडो 1/4 होगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 lakh निकालिए तो 1 lakh आपके पास शेयर ऑफ विडो आ गया, बच्चे मौजूद नहीं है तो बस यही आपके पास शेयर निकलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस रह गए हैं गर्ल्स, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, जब ऑनलाइन क्लास आप लोगों की हो रही होगी तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा सेंड भी कर दूँगी, वैसे बेहतर है कि एक दफ़ा आप लोग इसको खुद भी सॉल्व कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।